व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज इंडिया एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आज हम लोग आज है 31st का दिन और हम सभी फैमिली के साथ आए हुए हैं हमारे फार्म हाउस पे। तो रास्ते में मैंने आते वक्त कुछ शॉट्स लिए थे, कुछ सिनेमैटिक्स बनाए थे और कुछ टाइम लैप्स भी लिए थे। तो आप सबसे पहले जाके वो टाइम लैप्स और शॉट्स को देख लीजिए, फिर बाकी बातें अपन बाद में करते हैं। कुछ न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ कन्फेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले आप लोग वो शॉर्ट्स देखिए और अपन उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे, कैसे थे शॉर्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और अगर आप लोगों की भी कुछ इच्छाएं हैं कि मैं किसी प्लेस पे जाके उसे एक्सप्लोर करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन प्लेसेस को भी कवर कर लूँगा। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आप लोगों को इस कैमरे के थ्रू डिराइव करने की कोशिश करूंगा जो, बट नेचुरल आइज से इसका व्यू जो आता है वो कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि एक नेचर की ब्यूटी ही अलग होती है यहाँ पे देखने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं कई समय के बाद यहाँ पे आया हूँ, लगभग 4 से 5 महीनों के बाद। कुछ समय में अपनी जीप भी रेडी हो रही है, तो जीप रेडी हो जाएगी उसके बाद फिर अपन उससे आएंगे एक बार यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा जो फार्म हाउस है वो इंदौर शहर से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद आता है, और घाट सेक्शन को पूरा पार करके, जो कि आपने अभी सिनेमैटिक देखा स्टार्टिंग में वो वहीं का था, पूरा घाट सेक्शन को पार करके फिर नीचे की साइड एक छोटा गांव आता है। मतलब मेन रूट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ वो गाँव है। तो वहाँ आने के बाद हम लोग फार्म हाउस एरिया में आते हैं, और ये जो है हम लोग इसे पूरा फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे घर के लिए सब्जी और सब कुछ यहीं से बोया जाता है। और मेरे साथ आज जय चाचू और विनय और पलाश और तन्मय आए हुए हैं, और बाकी के भी फैमिली मेम्बर्स हैं। बस मेजर मिसिंग 2 लोग हैं अभी, राज भैया और प्रतीक, तो वो लोग भी शायद शाम को आज हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों नाश्ता हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ बोर तोड़ने, जो कि बहुत दिनों से मेरी खाने की इच्छा हो रही थी। सिटी में आप लोगों को मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल ही अजीब मिलती हैं, जो कि कुछ केमिकल्स डाल के पकाई जाती हैं, और यहाँ पे आपको सब नेचुरल मिलता है, पूरी प्योर एयर और बिल्कुल एक नंबर माहौल। आप लोग ये मानोगे नहीं कि इस वक्त भी यहाँ पे कोहरा है, धुंध अभी भी यहाँ पे है और दिन के 2 बज रहे हैं, अभी भी हल्की हल्की धुंध, एटमॉस्फेयर में थोड़ा मॉइस्चर है। तो मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हवा बहुत अच्छी और प्योर चल रही है यहाँ पे। आप लोग मेरे चारों तरफ देख सकते हैं,
व्यू कितना ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पे पूरा, और शूट के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है भाई। तो अभी चलते हैं, बोर तोड़ते हैं, थोड़े खाते हैं और मजे लेते हैं। तो पलाश मेरे को भी दे यार, कुछ तो तोड़े। तो दोस्तों ये रहे बोर, ताजे ताजे बोर, तो मैं भी खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कितनी टेस्टी लग रही है। ओ तेरी, नीचे गिर गया। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेस्टी बोर है और ताजी है बिल्कुल, खाने में मजा आ रहा है। आ जाओ आप भी ले लो थोड़ी सी, एक दो बाइट। जो जो व्लॉग देखने वाले हैं उनको बोर खाने का तो मन करेगा, कुछ करे ना करे। दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि धर्मेंद्र भैया ने मुझे बताया था कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ रही है, लास्ट व्लॉग में सही में भी थोड़ी सी कमी थी कॉन्फिडेंस की, तो उस कमी को मैं आगे पूरी कर दूंगा। और मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये है कि मैं जिम जाऊंगा रेगुलरली, थोड़ी बॉडी वॉडी भी बनाना जरूरी है ना, अभी चालू कर दिया है अपन ने, धीरे धीरे करके हो जाएगा सब। और उसके बाद भाई लोग के साथ थोड़ी मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, और साल को फिर से जैसे 2019 अपना निकला वैसे अपन अच्छा ग्रो करेंगे। और आप लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जल्दी जल्दी से अपने भी 1K करवाओ यार, अपन फिर आगे जाएंगे, बढ़ेंगे बिल्कुल मस्ती के साथ, अलग अलग ब्लॉग करेंगे, नए नए कैमराज लेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो कि आगे चलते चलते व्लॉग में हम करते जाएंगे। आज का व्लॉग जो है मैं अभी कल या परसों में डाल दूंगा, और उसके बाद जो नए व्लॉग्स आएंगे उसका उसमें भी आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें देखने मिलेगी। तो अभी आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं थोड़ा खा पी के थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसी जगहों पर आओ तो फ़ोटो लेना तो बनता है, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हैं जो कि हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाने वाली हैं, और मेरी भी कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ पलाश भी आके कुछ जय चाह चुकी है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए हमें, और लेटेस्ट अपडेट्स जो चैनल के हैं वो भी मैं उसी पे देता हूँ, तो लिंक नीचे आ रहा होगा, विनम्र @_0722। और पलाश भाई का भी मैं दे दूँगा, चाचू बुला रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, जानबूझ के मेरा नाम पुकार रहे, मेरे को परेशान कर रहे, फोकट सुनते नहीं ये लोग यार। अपन ऐसा बोल रहे थे कि अपन चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, मजे लेते हैं, नदी वदी देखते हैं भैया। तो अपन क्या देखो, ये डिट्टो दादा को देखो, ये कैसे घूम रही है, ये खेत में दौड़ लगा रही है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल पे, और नया साल भी आने वाला है, तो उसमें भी कुछ रिजोल्यूशन है हमारे। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, रोज वीक में एक वीडियो डालने की तो कोशिश करूँगा, ज़्यादा हो जाती है तो अपने लिए बेटर है। और अच्छे से व्लॉगिंग करूँगा, कोई कॉन्फिडेंस जो मेरी थोड़ी कमी आती है कभी कभी, उस कॉन्फिडेंस की कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैं खुद इंस्पायर होता हूँ मुंबई का निखिल की वीडियो को देख के, उनकी वीडियोज से मैं मोटिवेट होता हूँ, उनका जो डेली व्लॉग है उसको देख के मतलब एक एनर्जेटिक सी फीलिंग आती है बिल्कुल अलग सी। तो मुंबईकर भाई को एक बड़ा सा थम्स अप, और आज के टाइम पे जो बेस्ट व्लॉगर अवार्ड जीतने वाले हमारे मुंबईकर भाई है, वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए, इतना घूमते हैं, इतना मज़े करते हैं और सब कुछ बताते हैं अच्छे से, उनके व्लॉग्स देख के एक अलग ही फीलिंग आती है। मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ, भले ही मैं व्लॉगर हूँ पर मैं उनका एक फ़ैन हूँ। मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी चैनल स्टार्ट किया था कि मैं उनसे मिल पाऊँ, और होप सो आप लोगों की हेल्प रही तो मैं तो फ्यूचर में मिल ही लूँगा उनसे, आप लोगों को भी उन लोगों से मिलवाऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी मैं जाता हूँ सामान उठा के गाड़ी में रख देता हूँ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे और बात करेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ पे घर के लिए सब्जी तोड़ी जा रही है अभी, और चाचा जी सब्जी तोड़ रहे हैं और पलाश देख रहे हैं खड़े होके, ये नहीं कि सब्जी तोड़वा लें, अब मैं भी तोड़वाऊंगा थोड़ी बहुत सब्जी। ये मेथी की सब्जी है, चारों तरफ यही लगी हुई है अभी, और उधर वाले खेत में जो है गेहूं बोया हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सब्जी वब्जी तोड़ता हूँ और फिर आगे शायद निकलने का प्लान है, आधा एक घंटे में तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो भाई लोग फाइनली टाइम हो चुका है अपना घर जाने का, क्योंकि घर जाके भी कुछ पार्टी की प्लानिंग करनी है। अपने भाई लोग जो अभी नहीं है साथ में, प्रतीक और राज भाई, वो दोनों आने वाले हैं, और
फिर हम लोग थोड़ा धमाल मस्ती करेंगे, रात में कुछ नाच गाना होगा और एज ऑलवेज जो अपन करते हैं। तो दोस्तों आज की एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ के, वो बात ये थी कि इतने समय बाद में, मतलब 4 से 5 महीने बाद यहाँ पे आया हूँ, इतनी फ्रेश एयर और ये सब लेके बहुत ही अच्छा, मतलब एक दिमाग को शांति मिल जाती है। बस अब चाय की चुस्की लेते हैं और उसके बाद अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग आ गए हैं, एक कार और आ रही है पार्किंग में, अभी खड़ी हुई है उधर खेत में। तो चलते हैं, चाय की चुस्की ले लेते हैं और उसके बाद अपन घर के लिए निकलेंगे। घूम फिर के एंजॉय करके अपन घर पे आ चुके हैं अभी, और राज भैया और प्रतीक कुछ ही देर में आने वाले हैं। बस मैं वीडियो एंड करने के बाद उन्हें लेने ही जाने वाला हूँ। और तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज थोड़ी थकान भी हो गई है दिन भर घूमने फिरने के कारण। तो आज की वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो और एक नई प्लेस के साथ। धन्यवाद।